सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। दोस्तों ये एडिटिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रीसेट इसका जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे वो प्रीसेट का यूज कर सकते हैं। बस प्रीसेट का आप यूज़ कीजिएगा तो सिर्फ स्टेटस बना पाएंगे, एडिटिंग सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या प्लस का क्लिक करना है, 900 का रेसो सेलेक्ट करना है, रेजोल्यूशन 1080 फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट पर क्लिक कर लेना। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, प्लस का क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाइएगा। पहले मैं एडिटिंग ही बता देता हूँ, लाइटिंग से बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, इमोजी पे आ जाना है। एक ठो इमोजी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जो भी इमोजी करना चाहते फिर इसे लाइन कीजिएगा, रोबोट रेलो पे क्लिक कीजिएगा, आईओएस वाला फोन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये 18 PTI तो इसे 80 PTI कर लीजिएगा यहाँ पे सिंपली। और इसका कलर जो यहाँ पे ट्रांसपीट कर दीजिएगा जैसे मैं कर दिया हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीन पे टाइप कीजिए, प्लस के आइकन पे जाइए, एक रेड सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद रेड सिंगल को आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है इस तरह से, जो कि इमोजी आपका ढक जाए। अब ये दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो ग्रुप ऑफ मास्क वाला ऑप्शन आता है इसे क्लिक कर लेना तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लीजिए फिंगर की मदद से, ताकि आप एडिटिंग आसानी से कर पाए। अब यहाँ पे आपको मूवी ट्रांसफॉर्म में आ जाना, जूम वाले ऑप्शन पर आना, इसके स्टार्टिंग में कर प्लस कर लेना है, इसे आपको 304 कर देना है। ठीक है, यहाँ परफेक्ट 304 रख लीजिएगा। फ्रेंड्स मैं एडिटिंग आसानी से बताता हूँ तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में अगर एक प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद 1180 इसे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1180 परफेक्ट यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों के बीच में आ जाइए, कॉर पे क्लिक कीजिए, एक को ऊपर कर दीजिए, एक को इस कॉर्नर पे कर दीजिए, जैसे आप देख सकते हैं मैंने कर दिया। फिर यहाँ से बैक आइएगा, बैक आने के बाद आपको इफेक्ट में चले जाना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मूवी ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, ऑसिलेट वाले को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे आपको एंगल को 105 माइनस में कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस में 105 कर लीजिएगा। ठीक है, तो परफेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे कर दिया 105, जैसे आप देख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी पे क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लास्ट में, मतलब लास्ट से थोड़ा पहले इतना सही रहेगा, प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद इसे आपको 0 कर देना है, तो यहाँ पर 0 मैंने कर दिया। फिर इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, यहाँ पर प्लस कीजिएगा, इसे आपको 2 कर लेना है। ठीक है, 2 पहले से था ही, वहीं पर हम कॉर्प लगा सकते, की लगा सकते थे, तो यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। तो देख सकते ये रहा, ये थोड़ा सा यहाँ पर 2 हो गया। फिर इस दोनों के बीच में आ जाइएगा, कॉर वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, इसे इतना पे रख लीजिएगा और इसे यहाँ पे पूरा इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है, इसका काम हो गया। और यहाँ से बैक आना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, मैग्नीट्यूड में जाना है, मैग्नीट्यूड आपको 49 कर देना है, बस थोड़ा सा बढ़ाना है यहाँ पे 49। ये हो गया, इसका काम हो गया। ऑसिलेट पे क्लिक कर दीजिए, बैक चला जाएगा। यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिएगा, आपको मेटामास्क में चले जाना है, वाइप वाले को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको की लगाना है, तो वाइप को सिलेक्ट कीजिएगा, इसके लास्ट में आ जाइएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिएगा, तो 0.4 मैंने रखा था, इतना कर लीजिएगा। फिर इसके लास्ट में जाइएगा और यहाँ पे प्लस करके 46 यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये रहा 46, यहाँ पे 46 परफेक्ट। इसमें आपको कोई कर्व नहीं देना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, एंगल पे आ जाइएगा, एंगल पे आने के बाद 270 इसे प्लस में ही कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे 270। फेदर पे क्लिक कीजिए, फेदर को 50 कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसे बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बस ये रहा 50। ठीक है, इतना रहने दीजिएगा, बस इसका काम हो चुका है। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। ठीक है, परफेक्टली बैक आने के बाद स्टार्टिंग में आ जाइएगा। स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करना है, एक इमोजी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी इमोजी रखना चाहते हो उसे रख लीजिएगा, एलाइन नहीं करना फ्रेंड्स, इसे ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, आईओएस वाला फोन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये 18 PTI तो इसे आपको थोड़ा सा बढ़ाकर 36 कर देना है। ट्रांसपेरेंट कर लीजिएगा इसे कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे इस तरह से, और यहाँ पे मूव वाले ऑप्शन पे जाकर इसे इस साइड में मूव कर लीजिएगा। फिर मूव वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिए और ब्लैक वाला जो डॉट है इसे लेकर इस तरह से बीच में कर दीजिएगा, जैसे मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसमें इफेक्ट दे दीजिएगा, पहले इफेक्ट दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाले को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें रोटेट इफेक्ट देना है, तो मूवी ट्रांसफॉर्म में एक रोटेट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, इसके स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लीजिएगा, इसके लास्ट में जाकर एक की लगा लीजिएगा। स्टार्टिंग वाला 0 रहेगा, लास्ट वाले को माइनस में 180 डिग्री कर दीजिएगा। ठीक है, तो माइनस में 180 डिग्री परफेक्ट, इतना पे रहने देना है। ये दोनों के बीच में ये कॉर्ड वाले ऑप्शन को टैप कीजिए, इसे इतना पे और इसे इतना पे रख लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब ये प्ले कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इफेक्ट दे देना है, इफेक्ट कौन सा देना है, तो यहाँ से बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद आपको फ्रेंड्स इफेक्ट में चले जाना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ब्लर में जाइएगा, मोशन ब्लर को सिलेक्ट कीजिए, स्टैंडर्ड सेटिंग करके यहाँ पे इसे 4 कर दीजिएगा, देन यहाँ पे मोशन ब्लर पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अभी आपको एड इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूवी ट्रांसफॉर्म में सॉरी 3D में चले जाना है, यहाँ पे फ्लिप लेयर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है, कुछ इस तरह से आएगा। फ्लिप लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, एक की लगा लीजिएगा एंगल पे। ठीक है, अब इसके बीचों बीच आ जाइएगा एकदम सेंटर में और यहाँ पे की लगा लीजिएगा, एक बीच वाला की जो है 0 है, 0 रहने दीजिएगा। स्टार्टिंग वाले में आइएगा, माइनस में 89 इसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसे हम बढ़ा देंगे और ये रहा, थोड़ा ज़्यादा हो गया, परफेक्ट 89 हम रख लेते हैं इसे।
और 89.8 यहाँ पे रख लीजिएगा, इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। अभी दोनों के बीच में एक और पे क्लिक कीजिए, एक को यहाँ पे कर दीजिए, एक को यहाँ पे कर दीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी कर्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कर्व कॉपी हो गया, यहाँ से बैक आइएगा, एक्सेस में जाइएगा, एक्सेस में जाने के बाद फ्रेंड्स इसे 90 डिग्री आपको कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस इन पर 90 डिग्री आपको कर लेना है। इसका काम होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से फ्लिप होगा और फिर यहाँ से इस तरह से ये मोशन होकर चला जाएगा, इसका काम हो चुका है। अब इसी का फ्रेंड्स एक थोड़ा डुप्लीकेट कर लीजिए, ठीक है। डुप्लीकेट मैंने कर लिया, करने के बाद डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा और यहाँ पे जो ये जो ब्लैक वाला डॉट है इसे दूसरी साइड में आपको करना है, तो दूसरी साइड में इस तरह से एकदम बराबर में ही रखेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे इसे इस साइड में रख लीजिएगा एकदम लाइन के बराबर में, तीनों लाइन बराबर करके देख लीजिएगा हो रहा है या नहीं। तो ये दो लाइन तो बराबर हो रहा है, तीन लाइन नहीं आ रहा है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दो लाइन तो हो रहा है। तो इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर मोबाइल ऑप्शन में टैप करेंगे, ब्लैक वाला जो दिखेगा इसे सेंटर में यहाँ पर रख लीजिएगा बीचों बीच, ताकि आपका जो इमोजी है वो यहाँ पर अपने राउंड पे फ्लिप करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा तिरछा लग रहा है, दोनों सेंटर में नहीं है, बराबर नहीं है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा इस वाले को और थोड़ा नीचे करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे ये तो सही है इतना पे, पहले इमोजी को ही थोड़ा नीचे करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों लाइन सही आ रहा है, अब फिर से ये ब्लैक वाले डॉट को बराबर कर लीजिएगा इस तरह से सेंटर में, दोनों का डॉट बराबर है या नहीं एक बार देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पर, ठीक है, और इसका यहाँ पे है, सही है फ्रेंड्स, रहने देते हैं, इतना पे काम चल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे तो आ रहा है, नीचे वाला नीचे आ रहा है, ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा ही नीचे है, तो इसे भी सिलेक्ट करते हैं, ये वाला नहीं ये वाला, और मुंह में जाकर थोड़ा सा ऊपर इसे कर देते हैं इतना पे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अब सही लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये सही है। चलिए इसका काम हो गया, तो अब हमारे टेक्स्ट का काम बच गया। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आ जाइए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं। तो तब तक के लिए मैं यहाँ पे मेरे चैनल का नाम ही दे या ट्रेंडिंग सिर्फ लिख देता हूँ, ट्रेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे इसे अलाइन करते हैं, रोबोटेरियल पर क्लिक करेंगे, ये वाला फॉन्ट लेना है तो ये वाला फॉन्ट ले लीजिएगा, 18 PT है तो फ्रेंड्स इसे बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, और इसे आपको टेक्स्ट को रख लेना है 28 PT, ठीक है। तो 28 PT रखेंगे, फिर इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर लीजिएगा, करने के बाद यहाँ से आपको राइट क्लिक कर देना है, ये टेक्स्ट का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और राइट क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद फिर से आप मूवी ट्रांसफॉर्म में जाना है, सॉरी मूवी ट्रांसफॉर्म बॉर्डर एंड स्टॉक में, ये वाला जो देख सकते हो बॉर्डर एंड स्टॉक इसमें जाना है, बॉर्डर एंड शैडो, इसमें बॉर्डर को ऑन करना है, स्टॉक को, और यहाँ पे इसका कलर व्हाइट कर लेना है, फिर यहाँ से बैक आइए, बैक करने के बाद आपको क्या करना है, शैडो वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है और साइज को 0 कर देना है, बस इतना कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें भी आपको एक इफेक्ट देना है फ्लिप लेयर वाला, तो सिंपली इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मूवी ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद सॉरी मूवी ट्रांसफॉर्म में नहीं, यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे 3D में क्लिक करना है, फ्लिप लेयर को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। अब इसके सेंटर में आ जाइएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, और एक की लगा लीजिएगा, तो 0 पे यहाँ पे की लग गया। अब इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, एक की लगाइएगा, फिर इसके लास्ट में जाइएगा, यहाँ पे भी की लगाइएगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाले में आकर इसे 89 आपको माइनस में कर देना है, ठीक है, 89 परफेक्टली यहाँ पे आपको लेकर आना है, और फिर वहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे, तो 89.8 आपको रख लेना है, ये थोड़ा सा और ये हो गया। अब दूसरी साइड में जाना है और यहाँ पे आपको प्लस में 89 आपको रख लेना है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो 89.8 ये रहा, ठीक है, हो गया। ये दोनों के बीच में आपको कर्व देना है, तो फ्रेंड्स कर्व जो हम कॉपी किए थे वही कर्व यहाँ पे देना है, तो कर्व पे आते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर्व कर देंगे, ये वाला कर्व यहाँ पे लग गया। दूसरी साइड में जाइएगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट कर्व कर दीजिएगा, और ये वाले ऑप्शन पर टैप करके इसे फ्लिप कर दीजिएगा, देन यहाँ से बैक आइएगा, एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा और एक्सेस को आपको 90 डिग्री आपको कर देना है, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, जल्दी जल्दी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वीडियो थोड़ा आज लंबा हो जाने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया, हमारा काम इतना ही था, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया, यहाँ पे फ्लिप होकर यहाँ पे इस तरह से रोटेट होकर चला जाएगा। फर्स्ट लाइन जो हमारा है कंप्लीट हो चुका है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है, ये चारों को आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और ये वाली ऑप्शन में टैप करके कॉपी लेयर कर लेना है। फ्रेंड्स सेकेंड लाइन में थोड़े से चेंजेस होंगे, तो आप पूरा देख लीजिए तभी अच्छे से कर पाएंगे। तो अब ये वाली ऑप्शन में टैप कीजिए, यहाँ पे पेस्ट लेयर कर लीजिए, सेकेंड लाइन में आपका जो भी लिरिक्स होगा उसे आपको टाइप करना है। तो जैसे यहाँ पे ट्रेंडिंग मैंने कर दिया तो वैसे ही ट्यूटोरियल में कर देता हूँ, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल मान लीजिए मैंने अपना लिरिक्स चेंज कर दिया, जैसे आपका लाइन चेंज होगा वैसे ही। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद आपको इमोजी में भी कुछ चेंजेस करने हैं। फर्स्ट इमोजी को सिलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइए, यहाँ पे आपको फ्लिप लेयर रिमूव कर देना है, दूसरे वाले में भी जाना है, यहाँ पे फ्लिप लेयर रिमूव कर देना है। और फर्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइए, रोटेट वाले ऑप्शन पे जाइए, जो यहाँ पे की लगा हुआ है उसे पहले हटा दीजिए, ठीक है, हटा दिया मैंने। अब इसके सेंटर में आ जाइए यहाँ पे और एक की लगा लीजिए, फिर दूसरी साइड में जाइए एक की लगा लीजिए, फिर फर्स्ट साइड में जाकर एक की लगा लीजिए, ठीक है। अब इस साइड में आइएगा और इसे कर दीजिए प्लस में 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट 180 आपको रख लेना है।
तो ये रहा 180, और दूसरी साइड में जाइएगा, इसे माइनस में 180 रख लीजिएगा, तो यहाँ पे ये रहा 180। अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच में मतलब कर्व देना है, तो ये इस साइड में आइएगा, ये वाली को सिलेक्ट कीजिए, इसे ऊपर कर दीजिए और इसे इस साइड में कर दीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी कर्व कर लीजिए, दूसरी साइड में जाइएगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कर्व कर दीजिएगा और यहाँ पे फ्लिप कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से आएगा, स्टार्टिंग में ये रोटेट होकर इस तरह से आएगा और फिर यहाँ से रोटेट होकर ये चला जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक करना है, दूसरे वाले इमोजी को आपको सिलेक्ट करना है, ये वाले को, और मूवी ट्रांसफॉर्म में जाना है, रोटेट में जाना है, सॉरी इसमें तो हम लगाए हैं नीचे वाले को, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, रोटेट में जाइएगा, इस पे जो कर्व लगा हुआ है उसे हटाइए इस तरह से, और फिर यहाँ पे आपको इसके बीच में आ जाना है, ठीक है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे की लगाना है, इस साइड में जाना है की लगाना है, फिर दूसरी साइड में जाकर की लगाना है, फर्स्ट साइड वाले को 180 डिग्री प्लस में रखना है, आपको पता ही है, ठीक है। दूसरी साइड में जाइएगा और यहाँ पर माइनस में 180 डिग्री रख लीजिएगा, ठीक है। कर्व देना है सिंपली, दोनों के बीच में ये थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे, ओह सॉरी कर्व में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट कर्व यहाँ पे कर देना है, इसे फ्लिप कर देना है, दूसरी साइड में जाइएगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट कर्व कर दीजिएगा, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, यहाँ से बैक आ जाइए। तो अभी आप इसे प्ले करेंगे तो देख सकते फर्स्ट यहाँ पर रोटेट होता हुआ आया और सेकेंड यहाँ से ये रोटेट होता हुआ इस तरह से चला गया, बस इतना ही हमारा एडिटिंग था फ्रेंड्स। अब आपको सॉन्ग पे कैसे ऐड कर लेना है मैं आपको बता देता हूँ, एक सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लेते तो प्लस कैगर में क्लिक करते हैं, ऑडियो में जाते हैं, यहाँ पे एक ऑडियो तब तक के लिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, जैसे आप देख सकते मैंने ले लिया, लेने के बाद यहाँ पे इसे प्ले करके देख लेंगे फर्स्ट लिरिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्या है। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट लाइक से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा जो उसे कट करते हैं, फिर स्टार्टिंग में आकर इसे स्टार्टिंग से ले लेते हैं, और यहाँ पे बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, तो बड़ी मुश्किल है यहीं तक आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सिंपली आपको क्या करना है, लिरिक्स को चेंज करना है, इसे सेलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, यहाँ पर इसे चेंज कर देना है, तो ये रहा बड़ी मुश्किल है, ठीक है। अब इसे एक लाइन कर देंगे इस तरह से और राइट क्लिक कर लेंगे, फर्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से, इसमें कुछ नहीं करना है। सेकेंड लाइन में आपको क्या करना है, इमोजी वगैरह जो भी चेंज करना है उसे चेंज कर लेना है, तो इसे इमोजी को एडिट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इमोजी का नीचे वाला जो है इसे सेलेक्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं और यहाँ पर जो है उसे हटाते हैं, दूसरा जो भी इमोजी आप लगाना चाहे उसे लगा लीजिए, मैं बटरफ्लाई लगा देता हूँ। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे ऊपर वाला जो इमोजी है उसे भी अगर चेंज करना चाहिए सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइएगा, जो भी इमोजी आप लगाना चाहे उसे लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हार्ट लगा देता हूँ, फिर राइट क्लिक करते हैं और फिर दूसरे वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एडिट में जाएंगे, यहाँ पे जो है उसे हटाएंगे, ओ सॉरी यहाँ पे मेरा लाइट मोशन बैक करेगा, ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये वाला फाइल हम बना रहे थे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो चेंज हो गया, सेकंड वाले में प्रॉब्लम हुई, तो ये वाला को सिलेक्ट करेंगे, डबल टैप कीजिएगा जल्दी से तो ये बैक नहीं करेगा, ठीक है, इसे इस तरह से ले लेते हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे, तो सेकेंड इमोजी भी हमारा चेंज हो गया। अब लिरिक्स चेंज करना है तो लिरिक्स क्या है उसे प्ले करके देख लेते हैं, खोया मेरा दिल है यहीं तक आ रहा है, इसे कट भी करना होगा, सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे जो है उसे क्लियर करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं खोया मेरा दिल है, ठीक है। फिर इसे एक लाइन में इस तरह से कर देंगे, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसे छोटा कर देते थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पे, तो 24 मैंने कर दिया, फिर राइट क्लिक कर देते हैं, तो टेक्स्ट भी यहाँ पे हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बस इसे कट करना है, तो मेरा फर्स्ट लाइन जो यहीं पे खत्म हो रहा है, सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ये वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, एक्स्ट्रा जो उसे कट कर देंगे, इसी तरह से एक को नहीं कट करना है, सभी को कट करना है फ्रेंड्स, सभी को लास्ट तक यहाँ पे जितना भी है सबको कट करना है, एक एक करके ही कट करना होगा। अब इसके बाद वाले लाइन के लिए आपको क्या करना है, यही चारों को आपको आगे की तरफ ले जाना है, फर्स्ट वाला चार लाइन था उसे कुछ नहीं करना है, ये चारों को सिलेक्ट करना है, एस वाले ऑप्शन टैप करके कॉम्प्लीयर करना है, फिर यहाँ पे आ जाइएगा जैसे आप देख सकते हैं, और ये वाले ऑप्शन टैप करके पेस्ट क्लियर कर लीजिएगा, करने के बाद आगे का जो भी लाइनिंग्स होगा उसे कंप्लीट करना है, आगे तक आपको लेकर चले जाना है, जितना भी होगा सब सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, बस हमारा एडिटिंग जो कंप्लीट हो चुका है, प्ले कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा, करने के बाद ऊपर एरो जो देख सकते हैं इस पर टाइप कीजिएगा, एक्सपर्ट पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों इसका प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एडिटिंग थोड़ा टफ है और पूरा वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, एक्सपर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए।